भोपाल से खबर, खाद को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की। बैठक में खाद की पर्याप्त व्यवस्था करने की हिदायत दी। पन्ना से लौटकर सीएम शिवराज ने बैठक ली। बता दें, पन्ना में कुछ केंद्रों में खाद की कमी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद बैठक ली और पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद को लेकर संज्ञान लिया। लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। मनोज जी, मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, खाद को लेकर क्या जानकारी? देखिए दीपक, सबसे पहले बंसल लीव ने ये दिखाया था कि जब सीएम ने बैठक बुलाई है तो बैठक का मतलब ये होगा कि किसानों के हित में कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अंततः वही हुआ कि तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाई, जिसमें सहकारिता मंत्री अरविंद वहां पहुंचे और उसके बाद ये निर्णय हुआ है कि खाद को लेकर जो किल्लत आ रही, कई जगह से ऐसी खबरें हैं, कल भी हम जब फील्ड में थे तो किसानों से बात कर रहे थे, तो जो किसानों के पास खाद पहुंच जाना चाहिए वो समय से नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइनें कतार लगी रहती है। लेकिन दावे भले किए जा रहे हैं पर ऐसा नहीं है। जैसे ही सीएम को सामने ये बात आई है तो उन्होंने उसके पूरे मामले को गंभीरता से लिया, रात को ही मार्केट की बैठक की और तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जहां तक किसानों को परेशानी हो। तो हमें लगता है जो खाद की किल्लत किसानों के सामने आ रही है वो किल्लत हल हो जाएगी, क्योंकि ये आगे चलकर बड़ी परेशानी भी बनेगी और इसको बड़ी गंभीरता के साथ सीएम ने खुद संज्ञान में लिया है और उसका असर भी देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।